आज का व्लॉग मेरा व्लॉग और मेरा ये टाइम और मेरा ये फर्स्ट डिजिटल से हट के व्लॉग है। कहीं ना कहीं डिजिटल का जिक्र होता है इस फर्स्ट व्लॉग की। डेडिकेशन टू विराट कोहली, ऐसे बंदे के नाम जिसकी अखलाकियात, जिसकी सुपर मेसी, जिसकी डेडिकेशन, जिसकी सर्विसेज और जिसके गेम के नाम सर्विसेज और जिसके एक हाई लेवल का पोटेंशियल और एक ऐसे उसूली बंदे के नाम जिसने अपने मुल्क को ना सिर्फ जितवाया बल्कि अपने मुल्क के लोगों के दिल जीत लिए, रुला दिया फैन को। मुझे आज के दिन पे सचिन तेंदुलकर, एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट के दुनिया का, उसके भी बेइंतहा के फैन, बेइंतहा का ज़बरदस्त किस्म का करियर उसका, और इन चीज़ों से मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई पाकिस्तान की भी, लेकिन मैं उस पर बाद में जाऊँगा। सचिन तेंदुलकर की मुझे इनिंग याद आई लास्ट उसकी रिटायरमेंट की, उसने भी प्रोबेबली कोई 74 स्कोर्स 118 बॉल्स पर किए थे प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसने भी एक बेस्ट स्कोर के साथ रिटायरमेंट की जब लोग नहीं चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे कि वो मजीद खेले। उसकी याद कहीं ना कहीं ताज़ा कर दी विराट कोहली ने। विराट कोहली को मैच विनिंग खिलाड़ी भी कहा जाता है और उसको एक बहुत बड़े नामों से नवाजा जाता है। पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान के एक लड़के हैं, उसने साहिल समंदर पे विराट कोहली की तस्वीर भी बनाई थी एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। उस बंदे ने इस वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड कप में कोई प्रोबेबली 74 के 73 रन बनाए, लेकिन इस मैच में जब उसने 76 रन स्कोर किए और वो भी उस टाइम पे जहाँ पे इंडिया के हाथों से मैच निकलता जा रहा था और वो गेम को इससे गेम से आउट होते जा रहे थे और तकरीबन लग रहा था किसी वक्त पे कि इंडिया इस गेम से आउट हो चुका है। हमेशा विराट कोहली की मोस्ट ऑफ मैचेस आप देखें वो आपको ऐसे ही लगेंगे, वो आपको विनिंग सिचुएशन में इसको जो ना कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। इसको कहते हैं खिलाड़ी, इसको कहते हैं सेंसिबल खिलाड़ी, इसको कहते हैं बैट्समैन। बैट्समैन इसको कहते हैं कि जो जिसका बैट पे कंट्रोल हो, मैच पे कंट्रोल हो, कैसे डील करना है उसको, कैसे खेलना है, एक्सपर्ट कहते हैं उसको। जैसे मैं कहता हूँ यार मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे चीज़ कंट्रोल करना ना आ रही हो, रिजोल्व करना इश्यूज़ ना आ रहे हो, तो मैं एक्सपर्ट किस चीज़ का हूँ? मुझे जो चीज़ नहीं आती मैं छोड़ देता हूँ उसको, क्लाइंट को कहता हूँ नहीं आती मुझे, दैट्स माय एथिक्स। ये एथिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ आज मैं। मुझे तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के लोगों के रवैयों से। हम कहते हैं हमारा मुल्क ख़राब है, हमारे सियासतदान ख़राब हैं। नहीं यार, सियासतदान देखें, मीडिया डिजिटल का ज़माना है, सियासतदानों को सही किया जा सकता है। सियासतदान ही कसूरवार नहीं है इस मुल्क की तबाही के। इस मुल्क के लोगों के जो रवैये हैं, जो बिहेवियर्स हैं और जो उनकी पजीराई है उसके ऊपर, सॉरी मैं जवाल पजीरी कहूँगा उसको, अखलाकियात के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, जो हम बहुत ही डाउनवर्ड हैं, बहुत ही गिरे हुए एथिक्स हैं हमारे, उन एथिक्स की वजह से आज नाकाम हैं। एथिक्स सीखनी है तो इस मैच में, और इस मैच को नहीं बल्कि विराट कोहली के एथिक्स देखें, खिलाड़ी भी छोड़ दें उसको, उस बंदे की एथिक्स को ऑब्जर्व करें कि उस बंदे ने रिटायरमेंट वहाँ पर ली, उसने बड़े प्लेटफॉर्म पर ली और इतने बड़े मैच में ली और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस की वजह से वो वर्ल्ड कप जीता, उसका मुल्क जीता, उसकी नेशन ने सेलिब्रेशन की, उस प्लेटफॉर्म पे उसने कहा इट्स टाइम टू टेक अवे, अब जाओ बाहर, अब नौजवानों को मौका दो। उसके वर्ड्स तो सुने, तारीखी अल्फाज हैं उस बंदे के। यहाँ पे ना हमारा प्राइम मिनिस्टर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होता है, ना ब्यूरोक्रेट कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं नौजवानों के लिए, ना ही हमारा क्रिकेटर गेम में जो खेल रहा होता है वो छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे ऑनेस्टली एक बात बताएं, आज मैं आपके लिए सवाल भी छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा अगर जितने मेरी ऑडियंस देख रही है, कि कोई भी हमारा टीम का जो बंदा है उसने आकर अखलाकियात के तौर पर कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैंने परफॉर्म नहीं कर सका, बल्कि रिटायर हुए हुए लोगों को खींच के लाए हैं हम,
हमारे पास समझ ले टैलेंट ही नहीं है यार, अल्लाह के बंदे हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। हमने साबित कर दिया कि रिटायर खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं, हम रिटायरमेंट लिए हुए खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं। इतनी गिरी हुई खिलाड़ी आते हैं हमारी, देखो लेके तो आ रहे हो लेकिन खिलाड़ियों को तो सोचना चाहिए। जो रिटायरमेंट लेके जा चुके थे आज वो वर्ल्ड कप में नहीं होते, उनकी बहुत इज्जत होती है। हमारे बंदे, हमारे क्रिकेटर्स हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे कोई भी बंदा हो, कुर्सी नहीं छोड़ता, कब्र में पहुंचेगा कुर्सी नहीं छोड़ता। नौजवानों को आने का मौका नहीं दिया जाता। हम बैठे हुए हैं, हम 100 बार कह चुके हैं कि भाई आईटी का स्ट्रक्चरलाइजेशन सिस्टम्स बनाएं सिंध में। मैं ऑफर कर चुका हूँ गवर्नमेंट को, कई लोगों को मैंने प्रपोजल्स भेजे सिंध के गवर्नमेंट्स को, कई लोगों के साथ मिला। उनका ये काम था बाबा साईं टीसी वाला काम था, बाबा साईं टीसी वाला काम था। अब हमें टीसी तो करनी नहीं है, हम तो डिजिटल के लोग हैं। कई लोगों को इलेक्शन के दौरान मैंने बोला कि आप डिजिटल के हमें मौका दें, हम नौजवानों को मौका दें, नौजवानों को आगे बढ़ाएं। नहीं, वही रटे सटे घटे सटे हुए अल्फाज, वही टीसी करने वाले लोग, उनसे जो जिस तरह से वीडियोस बनती हैं, जिस तरह से चीज़ें देखते हैं हम, स्पेलिंग तक सही लिखना नहीं आ रही। मैं चाहूँगा कि वो स्क्रीन शॉट्स जो है मैं इस वीडियो में ऐड करूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता वो ऐड करने के बाद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। एनीवे, बात ये कि हम वापस आते हैं क्रिकेट के ऊपर कि खिलाड़ियाँ सीखनी है तो विराट कोहली के इस विनिंग मैच के बाद जो उनके तारीख अल्फाज हैं उनसे सीखें आप। यही अडॉप्ट हम अगर अपने आप में कर लें पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में सब कुछ सही हो जाएगा। नौजवान इस वक्त बहुत बेरोजगार बैठा हो। क्रिकेट टीम को तो खास तौर पर सीखना चाहिए, उनकी कैटेगरी का खिलाड़ी बनता है यार, इनको तो सीखना चाहिए ना। बाबर आजम को इखलाकी तौर पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर लेनी चाहिए थी कि मैं कैप्टेंसी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं अपना फोकस करना चाहता हूँ बैटिंग पे। यही काम विराट कोहली ने किया था। जब धोनी कैप्टन था तब भी विराट कोहली खेलता था, विराट कोहली कैप्टन था तब भी विराट कोहली खेलता था, रोहित शर्मा कैप्टन था तो फिर भी विराट कोहली खेलता था। ये होती हैं अखलाकियात। बल्कि मेरे ख्याल में अगर मैं सच कह रहा हूँ तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, विराट कोहली को जब कैप्टेंसी से हटा या फिर उसको रिमूव किया गया तो उसने यही अल्फाज कहे थे कि आई विल फोकस ऑन माई बैटिंग। किसी ने आके कहा बाबर आजम बैट्समैन है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसको कैप्टेंसी की क्या जरूरत है भाई, तुम्हें जरूरत क्या है कैप्टेंसी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स आके करने की। इस खिलाड़ी को लाओ, तुम्हारी जितनी बाबर आजम इज्जत थी ना वो 2% की रह गई है। कसम से बहुत इज्जत करता था मैं स्पेशली इज्जत करता था खास तौर पर, और सीरियसली मेरे जो गैदरिंग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे बाबर आजम की, लेकिन अब नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा अब कैसे देख रहे हैं बाबर आजम को, और मैंने उनको सवाल किया कि क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। 99% लोगों ने ये कहा कि कैप्टेंसी में आना ही नहीं चाहिए था इसको, इसको फोकस ऑन बैटिंग करना चाहिए था, कैप्टेंसी के लिए किसी और नौजवान के लिए रास्ता छोड़ता। इखलाकियात में गिरे हुए हैं हम। मेरे एक मामू हुआ करते थे, मुँह बोले मामू, वो सही सीखते थे। वो कहते थे अगर हमारी इखलाकियात सही हो जाए ना पाकिस्तान में, और इखलाकी तौर पर हम चीज़ें और फैसले करने लग जाए ना, तो यकीन माने ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बॉब वॉल्मर को मरवाया हमने क्रिकेट के थ्रू, लेकिन हमने रिटायरमेंट नहीं ली। हमने कई ऐसे मैचेस, कई ऐसी चीज़ें करी की, लेकिन हमने रिटायरमेंट नहीं ली। शाहिद अफरीदी के पास कई मौके आए जहाँ पे वो इज्जत के साथ जा सकता था रिटायरमेंट लेकर, लेकिन नहीं ली। मुझे कोई भी ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान का दिखा दें किसी भी फील्ड में जो बाइज्जत तरीके से रुख्सती पर गया हो, बताएं, मैं उसको सलूट करूंगा। मेरे ख्याल में जावेद मियांदाद को कह सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे मुताबिक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा खिलाड़ी हो, और शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा खिलाड़ी, मैं फैन रहा हूँ उसका, लेकिन अभी भी वो ऐसी पैथेटिकली बातें कर लेता है, चीज़ें कर लेता है अपने एग्रेसिवपन से। उसके दुनिया में फैन बनाए अपने आप शाहिद अफरीदी ने, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जाना चाहिए था, रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी। बल्कि हम तो यार इतने गिरे हुए हैं, रिटायर्ड लोगों को भी लेके आके कहते हैं कि आके खेलो क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है। अफसोस की बात है कि टैलेंट नहीं है। क्या यह बात सच है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है? आप ही मुझे बताएं कमेंट करके, क्या बात ये सच है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है? यार उसने मैच नहीं जीता विराट कोहली ने,
उसने राज किया है दिलों पर, सदियों तक बंदा वो राज करेगा। उसने तारीख ही अल्फाज बोल दिए, छोड़ दिया उसने कुर्सी को। हम यहाँ कुर्सी से चिपके रहते हैं, छोड़ते ही हैं, बेइज्जतों के डंडा दे के पीछे से भगाया जाता है हमें, फिर कहते हैं जाओ भाई अभी आ जाओ। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने इज्जत से रिटायरमेंट लियो, ओपन रहते हैं हर चीज़ के लिए, नहीं खेलना तब भी चिपके रहेंगे। ये रवैया चेंज करना है हमने, इस रवैये को, यकीन माने इस रवैये को छोड़ना पड़ेगा। मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि यार, बल्कि मैं एक नाम भी ले लेता हूँ, हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझे उनकी बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं कुछ, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनकी अच्छी नहीं हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ है, कुछ हकीकत से दूर हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनकी। उन्होंने मुझे एक लेक्चर में, मुझे नहीं बल्कि लेक्चर में कहा कि कुछ चीज़ें ना ज़िंदगी में आपको छोड़नी पड़ती हैं, जिनको छोड़ने से ना आपको अल्लाह पाक उनसे बेहतर नवाजता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा है आपका किसी का, तो उस हिस्से को अगर आप छोड़ देते हैं तो अल्लाह पाक उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको देता है। दूसरी बात कि कोई आपके आपको नुकसान पहुंचा गया है, उसका पीछा करना छोड़ दिया आपने इस चक्कर में कि यार, या तो आप इस चक्कर में पड़ जाएँ कि उसके पीछे पड़ जाएँ और उस नुकसान का आप कहें कि मैं उसी से लेके रहूँगा, तो वो टाइम, वो एनर्जी, वो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं उस रिले के चक्कर में, और आप उसको छोड़ते नहीं हैं, और ना छोड़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं आपकी। वो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने आपको चीज़ दी होती है कि आप इससे सीखें और आगे बढ़ें। ये जो प्रोसेस है ना आगे बढ़ने का, यकीन माने तरक्की का जो ना राज है, सीरियसली राज है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ उसकी लगी, और इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता हूँ। बहुत चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, सब कुछ अल्लाह पाक में छोड़ देता हूँ। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से हमें भी अपनी कुर्सी, अपने अहदे, अपनी चीज़ों को तर्क करके अखलाकियात के बुलंद दर्जे पे आना पड़ेगा, जहाँ पे हम कहें कि यार ये मैं छोड़ देता हूँ चीज़, अब इस चीज़ के आगे मैं नहीं, इसकी किसी और को मौका दें। आप रिटायरमेंट लेके अगर वापस आ रहे हैं तो आप सल्व कर रहे हैं किसी का भी, आपको अल्लाह पाक ने इतना तनजुली में फेंक दिया कि वर्ल्ड कप में 8 मरहले पे भी नहीं जा सके आप। आप सोचे ना कहीं तो अल्लाह पाक ने आपको दिखाना था ना कि आप रिटायरमेंट से वापस आके किसी नौजवान का हक मार रहे हैं ना, उस हक की वजह से आपको जलील होना पड़ा। आप कैप्टेंसी ना छोड़कर किसी का हक मार रहे हैं ना, आपने किया ना, इंजॉय किया आपने, उस अहदे पे रहे, अल्लाह पाक ने इज्जत दी आपको, चीज़ें की आपने, डिलीवर की, अब छोड़ दें, अब आगे बढ़ें, अपने काम को फोकस करें, चीज़ों को जिस कैटेगरी में आप अच्छा खेलते हैं उसको फोकस करें। तो अगेन मैं एंड इस वीडियो पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी क्रिकेट टीम से कि इसको बेहतर बनाना है तो रवैयों को थोड़ा सा चेंज करें। रिटायर्ड हों, हमारे वज़ीर दाखला साहब वज़ीर दाखला भी हैं, सेनेटर भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, अल्लाह पाक और तरक्की दे इनको। CM के ब्यूरो चीफ मेरे ख्याल में हैं, कुछ नुमाइंदे भी हैं, सबका वज़ीर आला भी हैं, नहीं छोड़ रहे, क्या करेंगे, मौका ही नहीं दे रहे किसी को। चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन भी हुआ हुआ है, अल्लाह पाक तरक्की दे उनको, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है उनसे, लेकिन चेयरमैनशिप छोड़ दें तो बेहतर है, किसी और को आने दें। आप वज़ीर दाखला के बहुत सारे काम होते हैं, बेहतर कर सकते हैं आप। आप सेनेटर हैं, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, आप वाकई एक्टिवली काम करने वालों में से हैं और काम करते भी हैं, आप बहुत सारे अच्छे इंसानों के लिए, हमारे लिए काम कर सकते हैं। आप क्रिकेट को छोड़ें सर, आप अल्लाह हाफिज़ करें इसको, इसको छोड़ना शायद किसी और की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, उसको अवेल करने दें, उसको आने दें, उसको आज़ाद छोड़ें, देखें क्रिकेट कैसे जाने देती है। आप ये काम करें, आप क्रिकेट बोर्ड को आज़ाद छोड़ें, पूरे पाकिस्तान से टीम बनाएं, ना सिर्फ पंजाब की ना बनाएं, इंडिया की टीम उठा के देख लें, मैप देख रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके टीम में खिलाड़ी शामिल हैं, हमारा सिर्फ क्या पंजाब खेलता है। बहुत सारी तलख बातें हैं लेकिन नहीं कर सकते, बस आज मुझे विराट कोहली के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनानी थी और कंपेयर करना था कि आप उससे सीखें कुछ, लेकिन आप भी किसी फील्ड में मौजूद हैं तो मैं आपसे यकीनी तौर पर गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ चीज़ें छोड़ दिया करें, बस इतना ही हुआ जा रहा था। एक लड़की को छोड़ दें दूसरी आ जाएगी, दूसरी को छोड़ेंगे उससे बेहतर आ जाएगी, यकीन माने सीरियसली मैं कह रहा हूँ, करके देख लें इसको, दिल पे पत्थर रखें ना इसको, करके देख लें, ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ी सी निकालनी थी चीज़ें अपनी,
और साथ ही साथ मैं अगेन सलूट करना चाहूँगा उस अजीम खिलाड़ी को जिसके अजीम अल्फाज छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए एज अ फैन ऑफ क्रिकेट और फैन ऑफ प्लेयर। मैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को भी ओबियसली उन्होंने भी अच्छे टाइम पे अपने लास्ट मैच खेल के छोड़ा था, बल्कि पूरा स्टेडियम उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था। इसका इनको आइडिया नहीं था किसी को भी कि ये रिटायरमेंट लेंगे, और इन्होंने अच्छे मौके पर लिया है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लिया। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं खेलना चाहिए था, देखिए ना, लोग कह रहे हैं खेलना चाहिए था। मैं मिस करूँगा विराट कोहली को। सलूट टू यू गाय, और पाकिस्तान से मोहब्बतों भरे सलाम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और आपने जो क्रिकेट दिया है इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छा दिया है आपने। थैंक यू सो मच विराट कोहली, एंड सलूट यू गाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।